नमस्कार, टेस्टी चटकारे में आपका स्वागत है। आज हम शाही आलू मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है ये देखें। ये आलू है, ये प्याज है, बड़े बड़े चार आलू प्याज लिए हमने। इसमें थोड़ी सी लहसुन दोनों का एक साथ पीस लिया है। ये हरी मिर्ची है, ये टमाटर है, जो टमाटर मैं इसमें थोड़ा कम डालूंगी। ये नारियल का पेस्ट है, ये अदरक का पेस्ट है, और ये गरम मसाला, और ये साबुत गरम मसाले हैं, ये नमक। अब हम तेल गरम हो गया, इसमें गरम मसाले डालेंगे। ये साबुत, ये शाही जीरा है, ये तेज पत्ता है, ये चक्रफूल है, ये बड़ी इलायची, दालचीनी, ये लौंग और काली मिर्ची। अगर आपके को डालना नहीं है गरम मसाला साबुत तो कोई बात नहीं, हम पिसा हुआ भी डाल रहे हैं। ये तेल गरम हो गया, इसमें हमने गरम मसाले डाल दिए हैं। ये गरम मसाले थोड़े तड़तड़ होने लग जाएंगे तो हम इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट डालेंगे। अब ये प्याज का पेस्ट डाल रहे हैं हम, ये लहसुन और प्याज का पेस्ट है, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसको ब्राउन होने तक हिलाएंगे। अभी हमारे प्याज ब्राउन हो गए, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर डाल दिया, ये मिर्च पाउडर, इसमें क्या मिर्च थोड़ी ज्यादा डालेंगे ताकि वो नारियल से इसका मसाले का स्वाद दबेगा नहीं। ये धनिया पाउडर, अब इसको थोड़ी देर हिलाएंगे। इसमें नमक के साथ में डाल देंगे हम, ये नमक भी डाल दिया हमने। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि तेल के अंदर मसाला सीख जाए अच्छे से। मसाला इससे कच्चा नहीं रहेगा, हम प्याज के साथ इसको ऐसे करेंगे तो। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब हम इसमें ये नारियल पिसा हुआ जो रखा था ये डालेंगे। अब इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले में। इसमें आलू भी हम थोड़ी देर में डाल देंगे क्योंकि आलू हमने खाया, सिर्फ हमने इसको छील कर धोया है और बाकी उबाला वगैरह ना फ्राई किए हैं, बिल्कुल खाली छील कर इनको धो लिए, छोटे छोटे आलू आए। अब ये क्या है कि हम आलू मसाले के साथ ही डालेंगे, ये कच्चे आलू है ना तो ये मसाले के साथ भून जाएंगे, मसाला भी भून जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के धीमी आंच कर देंगे हम, तो ये एक साथ भून भी जाएगा और मसाला भी तैयार हो जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। अब इसको हम मध्य आंच करके ढक्कन लगा देंगे, बीच बीच में हम ही हिलाते रहेंगे इसे। ये देखिए अब हमारे मसाला भी भून गया है, इसमें तेल छोड़ दिया है और आलू भी गल चुके हैं। ये देखिए आलू भी गल चुका है, ये आलू भी गल गया। अब हम इसमें गरम मसाला डाल के दो तीन मिनट के लिए वापिस ढक के रखेंगे। ये गरम मसाला डाल दिया, इसको हिला करके दो तीन मिनट के लिए इसको और ढक कर पकने देंगे। इसको वापिस ढक देंगे ताकि ये मसाला सारा गरम मसाले की खुशबू पूरी सब्जी में हो जाए। देखिए ये हमारे आलू बन गए। आप चाहे तो इसको थोड़ी ग्रेवी कर सकते हैं और पानी डाल करके, और नहीं चाहिए आपको ज़्यादा पानी तो इस तरह की ग्रेवी रख सकते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं। बस ये बन गई हमारी सब्जी। अब गैस बंद कर देते हैं।
शाही आलू मसाला तैयार है। अब आप ये तंदूरी रोटी के साथ या पराठों के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा आपको।